हेलो फ्रेंड, पुना ढाबा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, व्रत के दिन में अगर हमें कुछ मीठा और ठंडा खाने को मिल जाए तो हमें बहुत अधिक एनर्जी मिलती है। आज मैं आपको व्रत में खाने वाली ऐसी आइसक्रीम बताऊंगी जिससे आपको इतनी अधिक एनर्जी मिलेगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां आपका व्रत ख़त्म हो गया। साथ ही साथ ना ही मैंने इसमें कोई मिल्क का, ना ही कंडेंस मिल्क, ना ही क्रीम का प्रयोग किया है और इसमें आपको गैस भी जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आसान तरीके से आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए। व्रत की आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने 6 पके हुए केले लिए हैं। इन्हें हम अच्छे से छील लेंगे। केलों से हमें एनर्जी भी मिलेगी, साथ ही साथ ये बहुत अधिक हेल्दी भी होगी। देखिए, मैंने अपने सारे केले छील लिए हैं। अब इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। देखिए, मैंने अपने सारे केलों के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब इसे बंद करके हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और इधर मैंने थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम लिए हैं। इन्हें भी हम 1-1.5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देंगे। ये देखिए, 1-1.5 घंटे बाद मेरे बादाम और काजू अच्छे से भीग गए हैं। अब बादाम के ऊपर का छिलका निकाल देंगे। देखिए, मैंने अपने सारे काजू और बादाम छील लिए हैं। अब इसे मिक्सी के जार में डालकर बिल्कुल महीन पीस लेंगे। ये भीगे हुए हैं, आसानी से पिस जाएंगे। ये देखिए, मैंने अपने काजू और बादाम का बिल्कुल महीन पेस्ट बना लिया है। अब इसमें अपने फ्रीज करे हुए बनाना डाल देंगे। साथ ही साथ इसमें 4 चम्मच चीनी डाल देंगे। फ्रेंड्स, केला मीठा होता है इसलिए चीनी का कम प्रयोग कीजिएगा। इसमें मैंने ये केसर एसेंस लिया। आज हम व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए मैंने केसर एसेंस डाला है। अगर आप पे वेनिला एसेंस हो तो वो भी डाल सकते हैं। अब इसे थोड़ा फैटी बनाने के लिए मैंने इसमें 4 चम्मच मलाई डाली है। इससे इसका टेक्स्चर क्रीमी हो जाएगा। अब सभी चीज़ों को आसानी से मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए, मेरा सभी चीज़ों को आसान पीस लिया है और कितना क्रीमी टेक्सचर बनके तैयार हो गया है। अब एक एयर टाइट डिब्बा लेंगे, उसमें अपने सारी चीज़ों को पलट देंगे। और एक एल्युमिनियम फॉइल लेकर इसे थोड़ा सा टैप कर देंगे। अब इसमें एक एल्युमिनियम फॉइल लेकर ऊपर से ढक देंगे जिससे इसमें क्रिस्टल ना बने। और इसे 2 घंटे के लिए हम ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे। दो घंटे बाद ये देखिए, मेरी आइसक्रीम हल्की हल्की जम गई है। अब इसे हम फिर से मिक्सी के जार में ले लेंगे। ये अभी पूरी तरीके से जमी नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी ही हमें इसे जमानी है। अब इसे मिक्सी के जार में लेकर हमें स्लो मोशन में इसे थोड़ी देर ग्राइंड करना है। देखिए, मेरी आइसक्रीम कितना क्रीमी टेक्सचर आ गया है, एकदम आइसक्रीम की तरह हो गई है।
अब इसका थोड़ा सा पार्ट हम डिब्बे में डाल देंगे और थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये मैंने थोड़े से कटे हुए काजू, पिस्ता और बादाम लिए हैं, ये इसमें डाल देंगे। फिर थोड़ा सा मिक्सचर डालेंगे। फिर इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। और ये देखिए, बाद में मैंने सारी आइसक्रीम अपने डिब्बे में डाल दी है। अब इसके ऊपर भी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो इसमें टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर फिर से एल्युमिनियम फॉइल लगाकर हम इसे ओवरनाइट के लिए या 7 से 8 घंटे के लिए डीप फ्रीज कर देंगे। ये देखिए, ओवरनाइट के बाद मेरी आइसक्रीम कितनी अच्छे से जम गई है। अब इसको पलटकर थोड़ा सा टैप करने पर ही ये पूरी आइसक्रीम ऐसे ही बाहर आ जाएगी। ये देखिए, मेरी पूरी आइसक्रीम बाहर आ गई है। अब इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। हमने इसके चारों तरफ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। और इसे चारों तरफ थोड़ा थोड़ा पलट देने पर हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स इस पे चिपक जाएंगे। अब एक चाकू की हेल्प से हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। ये अभी थोड़ी जमी हुई है, इसलिए थोड़ा कठिनाई से कटेगी। ये देखिए, कितने आसानी से मेरे पीस अलग हो रहे हैं। अब इन्हें आइसक्रीम कप में ले लेंगे। और ये देखिए, मेरी आइसक्रीम अच्छे से बनके तैयार हो गई है। अब इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स से हम गार्निश कर देंगे। और अगर बिना व्रत के बना रहे हैं तो हम इसमें थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल देंगे। ये देखिए, मैंने एक को उसमें चॉकलेट सिरप डाल दिया है और एक में ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मेरी हेल्दी और टेस्टी आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। आप इसे बच्चों को भी खिलाइए, आपको बहुत अधिक हेल्दी और टेस्टी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए।